मैं बहारों की खुशियां इसे अपने हाथ में लेकर आ रहा हूं और आज मोना मुझे देखते ही हमारे गले से लिपट जाए, एकदम खुशी से पागल हो गई ही। तो चलो अब इस बात में देरी नहीं करना है, आओ मेरे साथ चलिए। बोलिए आप आगे मोना, देखो याद तुम्हारे बहारों की खुशियां बाबू रामराव सिंह अपने हाथ में लेकर आया। आप बहुत अच्छे हैं सबका, आज खजाना में ये बहुत खुशी हुई। मोना मोना अब तुम मेरे बात पर ध्यान नहीं दोगे, देखिए तुम्हारे काने से मैंने अपने भाई अपने राज सिंह का मैंने खून कर दिया और तुम्हारे काने से मैं अपने भतीजा कमल की दोनों आंखें फोड़ कर उसे घर से बेघर कर दिया। हमारा ये विचार है कि जो अपना बेटा कन्हैया है ना वो ननिहाल गया है और इसी अवसर पर और इसी मुकाम पर अपने बेटे को फोन करके बुलाओ और इस हवेली पर और यहाँ का उसे राजा बनाओ। और मैं इस वक्त काशी जी में शिव जी के मंदिर में शिव जी की आराधना करने के लिए जा रहा हूं। याद रखना मोना, जब मैं वहां से वापस आऊंगा तो सोच लेना मोना, इस राज सिंहासन पर मेरा बेटा कन्हैया होना चाहिए। बाबू साहेब के लिया चला पहले हवेली गंगा स्नान करे काशी जाते ऐसे बड़े खुशी का हो पुण्य करब जरूरी है। मेरे पास आओ जी, देखो मैं काशी जी शिव जी के मंदिर में शिव जी की आराधना पूजा पाठ करने के लिए चल रहा हूं। कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दीजिए और मैं चलकर चौराहे पर तुमसे मिलता हूँ और तुम राशन पानी लेकर आना। जी हाँ मैं चल रहा हूँ। बाबू झरा जवन हराम खोर अपने सगा भाई के नहीं भवा, अपने भतीजे के नहीं भवा, तोहार कैसे होई तू हमार का हो कभो ना होई सरकार कभो ना है कन्हैया के भूल के बुलावा कन्हैया के ए महारानी। हाँ चला महल में थोड़ा आराम करा, कन्हैया भैया आई है अपने मिली है ठीक है।
घर पे चल रहा? क्या समाचार है? सब ठीक है भैया, हम कब से आप ही इंतजार करता ही। हमारा इंतजार कर रहे। हाँ तो साधन प्रॉब्लम हो गया, होली का त्योहार है। टेलीफोन गया था और जानते हो मैं ननिहाल रहता हूँ, अब ननिहाल से घर चल और घर पे चलूंगा परिवार का समाचार। हाँ भैया ठीक है, बिना घर पे पहुँचे कैसे परिवार का हाल समाचार मिले? चलो यार कुछ बातें बता। हाँ हाँ कुछ सुनाओ भैया, बहुत दिन हो गए सुने। देखो भैया इस समय दरबार में तो सिर्फ महारानी अकेली बैठी है, माता जी हैं। जी हाँ तो ठीक है, हम माता जी से मिलेंगे। माता जी के चरणों में कन्हैया बैठे हैं, प्रणाम। अरे ये क्या कर रहे हो कन्हैया, आप तो मेरी पांव छू रहे हो। अरे आप बड़े हो गए हो। अरे माँ माँ, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए मगर बेटा बेटा ही बोला जाए, तो हमारी माँ हो। अरे माँ और पिता के चरणों में
सब ठीक ठाक है ना तुम्हारे? सब ठीक है माँ। तो बताओ यहाँ पर किस तरह से और क्या समाचार चल रहा है? सब ठीक है बाबा, सब बढ़िया बात है, कोनो बात टेंशन सब ठीक है माँ। बोलिए, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना मेरे बड़े पिता, ना हमारे पिता, और ना मेरा छोटा भाई दिखाई दे रहा है कमल। इसमें घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे जो पिताजी है वो गए हैं काशी, जो तुम्हारे बड़े पिताजी है वो भी गए हैं प्रयागराज। सब तीर्थ करे निकला है। और जो साहब भाई यहाँ कहाँ खेती बाड़ी काम ऐसे देखा है, कहाँ हाल पर कैसे आदमी कराता है, खेती कैसे नहीं कराता आदमी देखभाल करता है। ए लब्बे चौरा, तुम्हारा मुझे समझ में आता है कि तुम्हारे संग मिला जुला है क्या है? हमें मिले जुले से क्या मिले? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ माँ। पूछिए। मेरी मैया बता, मेरी मैया बता मेरे हरे भैया। छिपाने की कोशिश मत करो। अरे मैं अब कुछ नहीं छिपाऊंगी, जब तू जिद ही कर रहा है ना तो मैं तुझे आज बताही। सुनिए, अगर आप हमारा कहना मान लीजिए ना, मैं सब कुछ बता दूंगी। तो कहो जो कहना है, बेफिक्र कहो माँ, तुम्हारी बात सुनूंगा। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? कहाँ जाई बहुत बढ़िया बात है। जवानी
देख ये क्या क्या कर रही है। ऐसी बदतमीजी नहीं है। कहर भैया तो हर तरह का तो पूरा ट्रांसफॉर्मर जल उतार रहा है। ये तो हम आई है ऐसे में आई हो अच्छा तो एक काम करो क्या तुम पहले साफ साफ बताओ मेरे परिवार कहाँ है इस समय पर। साफ साफ बता दूंगी लेकिन आप मेरी बात मान लीजिए बस। बताओ पहले। अरे मैं तेरे ही से में अरे मरी ना हमार ही चीज है। अरे भैया जल्दी नहीं बहुत गर्म लगा।
लागत है। ठीक है का बजा रहे। अरे मार भभका तैयार था घरों भाई यार हिचे जाते है। हर गई देखा था धक्का पड़ गया वा कहा नहीं जाता। अच्छा बताओ तो साफ साफ पहले बताओ कि मेरे परिवार कहाँ है। साफ साफ पहले बताओ तू पूछ ही रहा था सुन तुम्हारे बापू को मैंने तुम्हारे पापा से जान से मरवाई और तुम्हारे जब तुम्हारा भाई है उसका आंख भी मैं फुरवाई ये सब जान रहे किसके लिए आपके लिए मैंने की है हमारे लिए। जी हाँ अब यहाँ के आप राजा बन जाओगे यहाँ की और ये ड्रामा तूने रचा है। अच्छा तो मैं तेरे हाथ आने वाला नहीं हूं और ले ये राज इसका कपड़ा उठाओ एक जल्दी हटा ले हाथ से। तू राज काज अपना सब ले ले
ले धावा दिया रे हाले बकरा मेरा कमल मेरा कमल जिस दिन मुझे मिल जाएगा ना का करबे वो दिन हराम अगर आपके घर में कुछ खाने पीने की व्यवस्था तो भैया खिला दीजिए भूखान है हाँ भाई साहब तो का खाबा भाई साहब आपके घर में पूरी सब्जी बन सकती है टाइम तो ज्यादा हो गया है चलिए ठीक है कोई बात नहीं आप मुझे दाल भात आपके घर बन सकता है ए तोरी बहनी भा जागी तो है हम भात खिया हां खिचड़ी ले के आई हां भाई भात खिया साहब मैं वो बात नहीं कर रहा हूं मुझे देखा एक पे आंधर है देखत नहीं है हिसाब किताब से बोला न जौन जौन मार मारम ना तो अपना देखते नहीं है केहू दिखाऊ आंधर बता दे कनौत कहली वाला खाना बताओ समझ नहीं भाई साहब वही चलाता है इतना जल्दी अगर आपको है तो आप मुझे खिचड़ी खिला दीजिए तोरी बहन की बिया है भात खाई होश से बोले नहीं बह गोजी पासई कर बताओ सर कहत खिचड़ी की आई
इससे जल्दी और कौन सा खाना हो सकता है? खिचड़ी खिया हुआ जो दे पाओ फिर जल्दी जाए भैया। देखा हम जुड़ावा था, अब तू बतावा के में कवन खाबा? अटनी चटार हिरका खाबा? तीनों ने खाबा? नहीं खाऊंगा। अरे अरे बढ़िया चीज में तीन ठीक खा लेता तो हर पेट भर ही जाएगा। नहीं भैया ये सब नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा ये बता, हाँ गाय उदे थे क्या? अरे यार गाना होना गाय लिए थे। हाँ भाई साहब। अच्छा कुछ सुनाओ, सुनाओ तो फिर समझम लो का खिया हो। सुनाऊंगा जरूर। ठिकरो
मुझे कुछ भी नहीं खिला सकते हैं, मुझे जाने दीजिए। अरे यार खाना बना दिया था, वैसे तो कच्चे दही खावे। आप जब मुझे हल्का खाना नहीं खिला सकते, भात नहीं खिला सकते, खिचड़ी नहीं खिला सकते, तो भैया अब मैं जा रहा हूँ। तो हर तीन तीन चीज संग किया हुआ भाई, टेस्टदार। मैं जा रहा हूँ भैया, आप खिला चुके, मैं खा चुका हूँ। जा चाहता है यार, कहाँ जा पाए कुआ गिर गया, मतलब आराम कर लिया, बड़ा दूर से आवा था, अब वहाँ जाए। अरे ओ जाने वाले राही, मुझे खुश हो करके एक क्या रुपए का पुरस्कार करते हैं पार्टी तरफ से, कोर्सा धन्यवाद। कमल ये आवाज तो मेरी सुमन की लग रही है। कमल सुमन 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 कमल सुमन
मत। हाँ मेरी कहानी तो सुनेगी पागल हो जाएगी। सुमन हाँ मेरे घर में धन दौलत और खुफिया खजाने का नक्शा था। हाँ उसी के चक्कर में उसी के विषय में मेरे चाचा रामदास मेरे पिताजी का खून कर दिए और जब उस वक्त मैं वहां पहुंचा सुमन तो मेरी दुनिया के पोल पर मुझे बेगर कर दिया सुमन। इस दुनिया मेरा कोई सहारा नहीं ऐसी कोई बात नहीं कमल हम तो है ना हम तो तुम्हारे हैं ना। ऐसा करो तुम मेरे साथ हमारे घर चलो हमारे साथ घर चलो वहाँ तुम्हारी अच्छे से इलाज भी करा दूंगी अपने पिताजी से भेंट भी करा दूंगी। चलो ठीक है चलिए तैयारी करिए। क्या तैयारी करनी ये भिखारी लाचार क्या तैयारी करेगा। ठीक है चलो मेरे साथ परीक्षा दे अभी तक आई नहीं और न तो है पता लगाया है न हम है। हां देखा सेठ एक तो लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं होत रही। हां बेटा और लॉकडाउन के बाद जब पढ़ाई शुरू हुआ तो कुछ तेजी पकड़े बा। हां ओहर वाला जो पिछला कोर्स रहा अभी हम पूरा होता
ऐसे लेट अगर दिन तो हो वही करे। अरे ससुर तो परीक्षा ते कई महीना होता ना? एक महीना होता है, लेकिन यहाँ था बिट्टी अब और अच्छी पढ़े लिखे ना तो कैसे परीक्षा दे? वही टेंशन कर रहा था बगल ही यही। पेंशन? पेंशन वहाँ कहाँ कहाँ था रे? कहाँ कहाँ थे हो? ट्यूशन ट्यूशन कोचिंग 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 अरे बाबा तो बेटवा एक काम कर अब बबनी से आन हो गई अब बबनी से आन हो गई बबनी से आन हो गई हाँ हो सही बात है अब ओकर पता कर हाँ कतम गोड़ न पिछला तू है तो सोचा तही बेटवा दाड़े मेड़े गिर कर आप बाहर आ सकत है हाँ बेटवा तो ओकर पता कर सेठ हम तो कहा जल्दी से जल्दी लड़किया देख अरे पहले ससुर आए तब लड़किया देखी कि नहीं आया लड़किया देखी अब हम बुढ़ापा बनाई कहाँ तक जाब रे बुटिया आजकल का जमाना खराब है सेठ अरे तैला वंदा जाके लड़किया देख तो हम कहा देखी लड़किया से आन मालूम नौ उम्र की मिली तो दूध कर ठकाई दे दे तू लड़का देख देख तो है जैसे 18 साल का ना मिले ही तो 9 साल का दू ठीक है एका एकर पागल एक है नला है 9 साल का दू लड़का का करबे त रे बैठे ने बैठा ने संजोग से पर मिला तोरे कुछ समझ में आवत आ कि नहीं मुतिया हमका डर लागत है आजकल का जमाना बड़ा खराब बा लड़की है लड़का अपन मन पसंद है कह देते हैं देख पहले का पता लगाओ और आज बैठा था ही चलता हूं भाई आज न आए तो काल सवेरा बिना खाया पिए ओकर हे चला दाना पे नहीं लेके हां बेटवा अच्छा बैठा से पहले इंतजार कर लिया समय होता